लेकिन आप यहाँ पर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये जो डीएचए में प्लाटिंग की बात है ये सच है या नहीं? अल्लाह करे सच हो जाए भाई जान अगर नहीं भी अल्लाह सच करे, क्योंकि वो भी बढ़ गई और खावर मानी का भी बढ़ गया, मूवमेंट शुरू हो रही है। लास्ट में ये बता दें कि आप स्टूडेंट मूवमेंट के साथ हैं, पार्टी साथ है, खावर मानी का शेर अफजल के लिए क्या पैगाम करते हैं? शेर अफजल खान मरवत वर्कर का जुनून है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि शेर अफजल खान मरवत इसी तरह अपना हौसला और जज्बा बरकरार रखेंगे, और इंशाल्लाह इसका हौसला और जज्बा खान साहब की रिहाई के लिए बेहतर साबित होगा। सर सर वालेकुम अस्सलाम, दुआ सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, वी आर प्राउड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है, खैरियत से। अब आप ये बताएं कि आपके कारनामे तमाश के, आप इमरान खान साहब के भांजे हैं और इमरान खान साहब आपके मामू हैं, तो फिर आप जानते हैं कि हमारी पख्तून मटी की रिवायत है, अपने बेटे अगर नहीं होते तो जो भांजे होते हैं वो अपने बेटों से बढ़कर होते हैं। सर आपके होते हुए खान साहब अभी तक पाबंद सलासल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ कि खान साहब जो है रिश्ते में वो मेरे भांजे लगते हैं, मैं उनका मामू लगता हूँ। जबरदस्त जी। तो हम जी नाजरीन, आप जैसे कि जानते हैं हमारे पख्तून मटी की रिवायत है कि जिन बुजुर्गों के, जिन बड़ों के बच्चे नहीं होते थे तो जो भांजे होते थे, भतीजे भी हैं लेकिन जो भांजों का प्यार होता है वो हद होती है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ किस्सा थोड़ा सा उलट है। ये जो मेरे साथ खड़े हैं फतेहउल्लाह बरकी साहब, ये मामू हैं और इमरान खान साहब भांजे हैं। तो सर अब आप ये बताएं, मामू जो होते हैं वो तो अपने भांजों पर अपनी जान निछावर करते हैं, आपके कारनामे तो हमने बहुत सुने हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे, आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा का प्राउड है, लेकिन अब आप ये बताएं कि आप खाना अपने टाइम पे खा लेते हैं, आप पानी कैसे पीते हैं, कि आपका भांजा जो है वो पाबंद सलासल है और बेगुनाह कैद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब अल्लाह ताला ने उसको ऐसी हस्ती बनाई हुई है कि उसने अपने सगे बेटों को छोड़ा पाकिस्तान के लिए, अपनी ऐसी बीवी को जो कि आज भी खान साहब पर फख्र करती हैं, उनको छोड़ा पाकिस्तान के बच्चों के लिए। तो जब ऐसा बंदा हमारे मुल्क में होगा और वो पाबंद सलासल होगा तो यकीनन न खाना अच्छा लगेगा और न पीना अच्छा लगेगा, और ये सिर्फ मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान के आवाम और पूरे पाकिस्तान की यूथ, वो सब इस तजस्सुस में है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें खाना ना दें, हमें पीना ना दें, लेकिन हमें खान साहब दे दें। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द रिहाई दे। और हम दुआ इसलिए नहीं करते कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क के लिए लीडर बनेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, खुशी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कह रहा हूँ कि मुझे खान साहब के बाद अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको मेरी भी ज़िंदगी लगाए। बल्कि मैं ये बहुत सारी वीडियोज़ में कहा था कि अल्लाह ताला मेरी और मेरे वालदैन की भी ज़िंदगी इमरान खान के लिए हो तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान हमारी आइंदा आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल है। मेरे वालदैन मेरे लिए अपनी जान से बढ़कर है, लेकिन मेरे वालदैन मेरे घर का ख्याल करते हैं, मेरी चार दीवारी का ख्याल करते हैं। एक ऐसा लीडर जो हमारी कौम ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था, वो भाईजन वो जो भी काम करेगा वो अपने मुल्क के लिए करेगा। बहुत सारे आपने बिजनेसमैन देखे होंगे जो बिजनेस करते हैं, वो फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, इमरान खान साहब हॉस्पिटल बना रहे हैं, और उस वक्त भी लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे कि ये हॉस्पिटल नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। लेकिन मुझे मेरा इमरान खान इसलिए चाहिए कि अगर मैं इस पाकिस्तान में रहूँगा तो इमरान खान होगा तो मेरा मुस्तकबिल बनेगा, वरना मैंने ये सोच लिया कि मेरा पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं। खान साहब जब 92 का वर्ल्ड कप उसने जीता तो उसने दो ख्वाहिशात की हैं। पहले ख्वाहिश उसने ये की कि मैं अपनी वालदा के नाम पे एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, वो इसलिए कि उनकी वालदा साहब जो हैं वो कैंसर से वफात पा गई थी, और सेकंडली उन्होंने ये कहा था कि मैं उनके गांव जाऊंगा, और वो खान साहब आए थे, कानीगुरम आए थे, फिर उन्होंने पूरे कबायल में बड़ा लंबा ट्रैवल किया, फिर खान साहब ने उस पर एक किताब भी लिखी, गैरतमंद मुसलमान इंसान। साथ साथ चलते रहेंगे सर, ये असीरान हैं जो इमरान खान साहब के साथ, उनकी भी ज़ाहिर गिरफ्तारी हुई है 9 मई के बाद, पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। हमने ऐसे देखा कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलात हुई, और फिर आपने देखा कि आपकी पूरी पार्टी जो है बहुत ज़्यादा लीडरशिप और कारकुन 10,000 से ऊपर गिरफ्तार हुए, तो ये बड़े बड़े नाम हैं। वैसे तो ये आप देख रहे हैं धरने वालों की काविश है, इधर आए सर, साथ साथ आते रहे। ये हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, उनकी तस्वीर है, सनम जावेद साहिबा हैं जी, माशाल्लाह बड़ी बात है। अच्छा ये है जी खान साहब की तस्वीर, ये जो धरने वाले हैं, जुनून हमारा दिल, ये इमरान खान साहब की तस्वीर है, ये धरने वाले। अच्छा ये साहब जो हैं, ये हैं जी फतेहउल्लाह बरकी साहब,
फतेहउल्लाह भरकी साहब और सदाम तरीन साहब और हमारे खैबर पख्तूनख्वा का प्राउड बल्कि वर्ल्ड प्राउड हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इज्जत अल्लाह ताला हमेशा उनको देता है जो मेहनत करता है, जो स्ट्रगल करता है। आज ये बात सच है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। मुझे याद है कि 4 सदस्य से जब पहली मरतबा ये शेर अफजल खान मरवत साहब ने कन्वेंशन का इनेकाद किया तो बड़ी मुश्किल थी, तो मैं फील कर रहा था कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, ये है। लेकिन ये गैरतमंद का बच्चा, ये पख्तून मट्टी का बहादुर बेटा, इसने ऐसे लोगों को निकाला कि आज खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत भी है। तो यहाँ हमारे साथ फतेहउल्लाह भरकी साहब की भी तस्वीर है और फतेहउल्लाह भरकी साहब ने भी बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। हिजरत कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो उनको भी अपने साथ बुला लूं। ये बहुत ग्रेट बंदा है जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 कमेंट्स हिजरत भाई के बारे में आपने। हिजरत भाई, ये यहाँ पे जितनी रौनक है पिछले 4-5 महीने से, ये सारा क्रेडिट जो है ये हिजरत भाई को जाता है। और अभी जो ये पिछले तस्वीर आप देखते हैं बैनर पे, ये पूरी क्रेडिट जो है ये हिजरत और उनकी टीम को जाती है जी। आपने बात की कि शेर अफजल खान मरवत ने पहले 4 सदा में कन्वेंशन निकाला और मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये क्या होगा, किस तरह होगा, लेकिन आप यकीन माने कि खान साहब का जो जनून है ना, खान साहब का जो वर्कर है, खान साहब के वर्कर को सिर्फ लीड चाहिए। उनका वर्कर जिस तरह स्ट्रांगली और जिस अंदाज में वो निकलता है, आप यकीन माने कि पटवारियों से नानी बन गई है, जरदारी से माफिया बन गए हैं और मौलाना से डीजल बन गया है। ये सारा क्रेडिट जो है ये खान साहब के वर्कर हैं। अच्छा सर, आंखों का ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आंखें दिखाएं, आवाम आपकी आंखें देखना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन सूरज बिल्कुल मेरे सामने लग रही है। गुजारा हो गया, जरा आंखें देखना चाहती है। लेकिन आपका पसीना जो है वो अभी भी मुझे यही ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि सूरज बहुत। खान साहब को कॉपी तो नहीं कर रहे ग्लासेस में? हम तो हर एक चीज खान साहब को कॉपी करते हैं, खान साहब के बगैर तो हम कुछ है ही नहीं। कौन सी ऐसी चीज इसके अलावा जो खान साहब की आप कॉपी करते हैं? खान साहब की हर एक चीज हम कोई एक स्पेसिफिक नाम बताएं ना सर कि ये हर एक चीज हम खान साहब की कॉपी करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो हम सांस ले रहे हैं ये भी हम खान साहब के लिए ले रहे हैं। उनका स्टाइल, उनका बोलना, जिस तरह वो चलते हैं, आपने कोशिश की है कि खान साहब को कॉपी करके चला जाए? देखिए, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन हम नहीं चल सकते, क्योंकि खान साहब की जो पर्सनैलिटी है ना, उस तरह पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि खान साहब की तरह पर्सनैलिटी न प्रीवियस कोई 1000 साल में कोई नहीं आई है और न कोई 1000 साल बाद आए। थोड़ा सा वैसे कंपटीशन तो मैं नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के लेवल का कोई आप सॉरी फनकार कहने वाला था उसे निकलने लगा था कि उनके मुकाबले में बहुत सारे फनकार हैं। कि लीडर आपकी नजर में कौन है, नवाज शरीफ, जरदारी, शबाज शरीफ, मरियम नवाज या इसके अलावा जो नाम है, क्या उन खान साहब के लेवल के हैं ये लोग? ये जितने भी नाम आपने लिए हैं ना, ये मेरे इस जूते के खान साहब का जो ये जूता है ना, उस तक भी नहीं पहुंच सकते। खान साहब के लेवल का लीडर मैं ये समझता हूं कि अभी तक कोई दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ। गुड। और पाकिस्तान में और ये माफिया, जरदारी और ये चोर, ये तो खान साहब के वो पिशावर वाला जो जूता है ना, उसके बराबर भी नहीं। और ये बात करते हैं खान साहब की लेवल के, ये जो आपने इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बाकी फनकार, ये हकीकत फनकार हैं। और मैं ये कहता हूं कि इनको हमने बॉलीवुड में अगर भेजेंगे तो तब बेहतर होगा। मरियम नवाज साहिबा से आप सेटिस्फाइड है? पंजाब में अच्छा काम कर रही है आपकी नजर में? मेरी नजर में नहीं। इस हद तक सेटिस्फाई हूँ कि वो एक अच्छी नानी है, और नहीं, और सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये सेटिस्फाई हूँ कि वो एक अच्छी नानी है, और बेहतर भी यही होगा कि वो अपनी नानी का किरदार अदा करे। हमारे साथ ही रहे, हम हिजरत कामरान साहब को अपने साथ शामिल करते हैं। हिजरत भाई, क्या सोचा था आपने कि ऐसा कैसे ख्याल आया कि रात को आप सोए हुए थे, सुबह आपकी आंख खुली, आपने 2-3 लोगों को कॉल किया, किधर हो यार, उठा पासा, क्यों, क्या करना है, ये धरना यहाँ पे लगाना है, कैसे ख्याल आया? भाई जान, ये अचानक से ख्याल नहीं आया, ये हम 7 जनवरी से तकरीबन हमने शुरुआत की थी। खान को रिहा करो का एक मिशन हमने लिया था, जब लोग इलेक्शन के लिए काम शुरू हो गया तो वहाँ उस टाइम पे खान को रिहा करो का नारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। किसी को ये ख्याल था ही नहीं कि खान भी जेल में है। तो फिर हमने कहा कि 25 करोड़ आवाम है, ये बाकी जो है ये सारे इलेक्शन का काम करे। हमने जो एक टीम बनाई थी हकीकी आज़ादी टाइगर्स की, उसमें हमारे साथ कुछ साथी थे, तो हम मरवत साहब के पास गए हैं, फतेहउल्लाह भरकी साहब भी उधर ही थे उस वक्त जब हम गए उनके पास। तो मरवत साहब से हमने इजाज़त ली कि ये सारी दुनिया तो इलेक्शन पे काम कर रही है, हम खान को रिहा करो के लिए एक रैली निकालना चाहते हैं, तो और भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन
जिसके पास भी पार्टी के जिस बंदे के पास भी जाते हैं वो कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ घर में आराम से बैठो, तस्वीर निकालना है तो निकालना वरना जाओ। जबरदस्त हो गया। अच्छा स्वाबी के हवाम के बारे में यहाँ बताएं, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, लोकल लीडरशिप से क्यों गिले हैं और अगर गिले हैं तो क्यों है? चाहिए तो ये था कि यहाँ पर बहुत बड़ा हुजूम होता, बहुत बड़ी पब्लिक होती, शेर अफजल खान, मरवत साहब, खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, क्या इन लोगों को अवामुल नास को मना किया गया यहाँ आने से? भाई जान ये चीजें हमारे घर की बात है और घर की बात जो है वो इंशाल्लाह घर में हल करेंगे जब घर का सरबरा आएगा। इस वक्त जो हमारे पास यहाँ पे एक घंटे के लिए भी आता है, एक दिन के लिए आता है, हम उसको दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसको अजर दे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए बैठे हैं और वो है इमरान खान की रिहाई। और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये जगह जो है अभी इस वक्त सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक कैंप लगा हुआ है जिसमें और कोई बात नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात होती है। और उसके लिए बार बार हमारे पास मरवत साहब भी आते हैं, फतेहुल्लाह भाई तो हर रोजाना आते हैं हमारे पास, उधर हमारे साथ बैठे होते हैं, इस गर्मी में जिस तरह हम जलते हैं ये भी खुद को जलाते हैं, ये सिर्फ खान साहब की मोहब्बत। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, जो आते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो अपनी तरफ से किसी भी तरीके से खान की रिहाई के लिए, पार्टी के लिए किसी तरीके से भी काम करते हैं। अल्लाह पाक उन सबको हिम्मत और ताकत दे के और भी करे, और अल्लाह पाक हम सबको एक ऐसी ताकत, गैबाना ताकत अता करे कि किसी तरीके से हम खान साहब को पाए। जबरदस्त हो गया सर, आपकी हमदर्दियाँ खान साहब के साथ, इनको हम सलाम करते हैं और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी सलाम करती है और बहुत सारी लीडरशिप भी आपको बहुत इज्जत की निगाह से देखती है कि आप बहुत ग्रेट जॉब कर रहे हैं। सर आप पर इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा हैं, हम अगर गली मोहल्ले या कहीं भी जाते हैं, जो आपके कम्पिटिटर तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपकी पार्टी है, क्या कोई नून के कम्पिटिटर तो आपके है नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इल्ज़ाम ये होते हैं कि पता नहीं DHA में इन्होंने कोई 100 एकड़ जगह ले ली है, और लेकिन आप यहाँ पर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये जो DHA में प्लाटिंग की बात है ये सच है या नहीं? अल्लाह करे सच हो जाए भाई जान अगर नहीं भी अल्लाह सच करे, क्योंकि बहुत परेशान है। तो बात ये है कि वो भी हमारे घर की बात है, इंशाल्लाह खान साहब आएगा ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस वक्त जो है, इस वक्त अगर कोई हमारा साथ दे सकता है तो खान की रिहाई के लिए हमारा साथ दे, बाकी कोई इल्ज़ाम लगाता है तो अल्लाह पाक उसको भी तौफीक दे, क्योंकि इल्ज़ाम लगता है तो हम और काम ज़्यादा करते हैं, फिर और तेज़ी से कोई और एक्टिविटी करते हैं, यार ये इल्ज़ाम लग गया, ऐसा ना हो कोई बोले कि यार इल्ज़ाम से डर के भाग गया। आज शेर अफजल साहब आ रहे हैं सर, क्या तैयारी है? बस मरवत साहब जब यहाँ पे आए हैं, जिस तरह ये आम साथी हमारे सब आए हैं वो इसी तरह आते हैं हमारे साथ, इन्हीं कुर्सियों पर हमारे साथ बैठते हैं, कभी स्टेज पर हमारे साथ बैठते हैं, कभी उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि वो कोई हम बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जो भी खान साहब के सिपाही आते हैं वो इसी तरह जिस तरह हमें हमारे साथ ऐसे गुल मिल जाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, इसी ज़मीन पे बैठते हैं, अगर मौसम थोड़ा ठीक हो, थोड़ा नहीं हो तो उधर गर्मी ज़्यादा हो तो फिर वो टेंट के अंदर हमारे साथ बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो। जबरदस्त हो गया सर, आपके साथ मैं ये चाहूँगा अपने, बेसिकली मैं जो भी काम करता हूँ अपने बेनिफिट के लिए, मेरी आपने थोड़ी सी रहनुमाई करनी है और मुझे कान में बेशक बता देना कि शेर अफजल खाता क्या है, बहादुरी के कोई इनकी वालदा इनको तावीज़ खिलाती है कि, क्योंकि बहादुरी ना, और अब इमरान खान साहब के कुछ लीडरशिप ने खान शेर अफजल खान साहब को साइडलाइन कर दिया था, लेकिन इमरान खान साहब उस दिन उन्होंने अपनी मुलाकात के लिए बुलाया था और शेर अफजल साहब बकौल वो कहते हैं कि मैंने हाथ बढ़ाया और खान साहब ने मुझे गले लगा लिया और ये सारी जिम्मेदारियाँ एक मरतबा फिर मेरे हवाले हो गई हैं, मेरे कंधों पर आ गई हैं। आपको पता है वैसे क्या खाते हैं? मैं पर्सनली जानना चाहूँगा। शेर अफजल के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है, यही कहता है जो हम कहते, लेकिन असल बात यह है कि खान साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो जिस पर हाथ रख देता है वो ऑटोमेटिकली सोना बन जाता है। जब शेर अफजल पे खान साहब का हाथ आया, शेर अफजल का उम्र जो है 55-56 साल है, 55-56 साल में इसी पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन जब उसके सिर पे खान साहब का हाथ आ गया तो वो शेर अफजल खान मरवत से बबर शेर अफजल खान मरवत हो गए हैं। ये सब कुछ जो क्रेडिट है गोज़ टू खान साहब, खान साहब हैं, खान साहब के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जिम्मेदारियां तो पूरी पार्टी की थी कि पूरी पार्टी उठे, एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे, तो आज शेर अफजल खान साहब फर्स्ट रो में, बल्कि मेरी नज़र है, मेरी नाकस राय हो सकती है, मेरी नज़र में इमरान खान के बाद जो प्रोफाइल है वो अल्लाह ताला ने शेर अफजल साहब को दे दी है, ये उनकी मेहनत के बदौलत। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं फिर अगेन ये कहूँगा कि खान साहब जिस पे हाथ रख देते हैं
वो ऑटोमेटिकली उसके दिल, उसका हौसला, उसका जज्बा वो बहुत हाई हो जाता है। इंशाल्लाह सर, पहले भी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी 2014 के धरने से खान साहब से मिलने की, मैंने 8-10 दफ़ा हाथ मिलाया था, लेकिन उस वक्त हमारी जो नज़र थी दूर की वो बड़ी वीक थी, हम खान साहब को समझ नहीं सके, हम सिर्फ तकरीर सुनते थे और वहाँ रिकॉर्डिंग करते थे, लेकिन आज मेरी भी ख्वाहिश है कि खान साहब का हाथ मेरे सर पर भी आ जाए तो ज़िंदगी बन जाएगी। आपने जो बात की है कि मरवत साहब ने कहा है कि मैंने खान साहब को हाथ मिलाया तो उन्होंने गले लगा लिया, आपने जो प्रोपेगेंडे की बात की, हमारी ये हमारे पीछे जो इल्जाम लग रहे थे वो मरवत साहब के पास भी ये बहुत सारी शिकायत गई थी, लेकिन कल हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं बहुत अरसे बाद मिला हूँ तो मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने जैसे देखा उसने गले लगाए, वो जो इल्जाम हम पे लगे हुए थे वो सारे मरवत साहब ने एक गले लगा के वो खत्म कर दिया, क्योंकि ज्यादातर हमारा आना जाना ऑफिस में वहाँ पे इसलिए होता था कि वहाँ पे सब इज्जत कर, इंसान वही ज्यादा जाता है जहाँ पे उसकी इज्जत होती है। जबरदस्त, वहाँ पे फतेहुल्लाह भाई थे, इजहार भाई है, वकास भाई जितने भी है, उन सब ने हमें इज्जत दे रहे थे इसलिए हम उधर ज्यादा जाते थे। अच्छा, ये फतेहुल्लाह साहब से मैं थोड़ा सा एहतराम से बात इसलिए करता हूँ, इनका जो मुक्का है ना ये बड़ा खतरनाक है, ये जिसको पड़ जाए ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से अक्सर फंबल हो जाते हैं, मिस्टेक होती है, लेकिन जब फतेहुल्लाह भरकी साहब खड़े हैं ना तो अल्लाह का शुक्र है मिस्टेक भी नहीं हो रही। सर वैसे खावर मोनिका के साथ आपने अच्छा जबरदस्त काम किया, जो खान साहब पे बात करेगा खावर मोनिका को तो एक या दो या गुतम गुता हुए हैं, अगली बार इंशाल्लाह वो चार चारपाई पे जाएगा चाहे वो जो भी हो। खान साहब पे हम बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो खान साहब पे बात करेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे चाहे वो जो भी अच्छा, हो। ये तो मेरा ख्याल है मुआशरे का कोई भी शरीफ फर्द ये काबिले बर्दाश्त नहीं होते उसके लिए, क्योंकि हम अपनी माँ अपनी बहन के लिए ऐसे अल्फाज का तस्वर भी नहीं कर सकते कि हम सुने केस बढ़ गया, इद्दत वाला केस भी बढ़ गया, जो हमारे ऊपर केस किया था खावर मोनिका की तरफ से 780A वाला वो केस भी बढ़ गया, और हमें उम्मीद है कि खावर मोनिका भी बढ़ गया, जो दरख्वास्त दी थी नजरसानी की वो भी बढ़ गई और खावर मोनिका भी बढ़ गया। मूवमेंट शुरू हो रही है, लास्ट में ये बता दें कि आप स्टूडेंट मूवमेंट के साथ हैं, पार्टी साथ है। स्टूडेंट मूवमेंट से तो मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज्वाइन की थी, बहसीयत ISF जनरल सेक्रेटरी, 2008 की बात है, हमारा रहबर मुराद सईद था, तो स्टूडेंट मैं बहसीयत एक लॉयर मैं अब भी समझता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं उनके हर इकदाम को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। 30 तारीख तक उन्होंने लास्ट वार्निंग दी है जी, बिल्कुल बेहतरीन दी है, और हम इंशाल्लाह शाना बशाना और फ्रंट फुट पर लीड करेंगे, और मैंने तो पहले दिन से उनको कहा है कि आप लोग करें तमाम तर लीगल बैटल जो है वो इंशाल्लाह ILF लड़ेगी और इंशाल्लाह हम फ्रंट फुट पर होंगे। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जाहिद साहब मौजूद है, मलक जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, रावलपिंडी इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं, क्यों आए हैं सर, क्या सोच कर यहाँ पर आप तशरीफ लाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज से पहले भी तकरीबन 6-7 मरतबा इनके धरने में मैं तशरीफ़ ला चुका हूँ, तो आज भी स्पेशली जब रात को हमें पता लगा कि शेर अफजल मरवत साहब भी वहाँ जा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अब हमारा एक इम्तिहान है कि 22 तारीख का जलसा जो है वो हमने एक तारीखी जलसा करना है, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह मरवत साहब की टीम है, उस टीम का हिस्सा है, और हम हर जगह जाएँगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। अगर NOC कैंसिल होगी तो फिर क्या होगा? उस पर मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी कि सब अपने NOC पास रखें, शेर अफजल मरवत अपना NOC रखता है। जबरदस्त हो गया, तो अगर आप समझते हैं कि इससे पहले भी 2 मरतबा वहां पर अनाउंसमेंट हुई और बहुत दूर दराज से काफले आए और फिर काफले मायूस होकर गए, तो आपकी PTI की लीडरशिप ने वो जलसा जो था कैंसिल कर दिया था, तो अब ऐसी कोई उम्मीद है? इंशाल्लाह जब तक मरवत जिंदा है ऐसी उम्मीदें इंशाल्लाह कभी पैदा भी नहीं होंगी। जलसा होगा हर सूरत में, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा, कुछ भी हो जाए जलसा होगा, इस्लामाबाद की आवाम आएगी, सारे पाकिस्तान की आवाम आएगी। जबरदस्त हो गया सर, क्या कहते हैं, क्या पैगाम करते हैं? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरवत साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ जी। ये जिस वक्त इमरान खान साहब ने इंसाफ की पार्टी शुरू की थी ये एक गैरत का नाम है, और वो गैरत पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने ये जब आवाज़ उठाया तो ये एक गैरत होता है। गैरत एक मामूली सी चीज़ होती है, जब इंसान के अंदर आ जाता है वही गैरत का जो है ना इस्तेमाल, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी गैरत के उसी के नक्शे कदम पे जो है ना मरवत साहब भी चल रहे हैं, और मरवत साहब जो है ना हमारा हीरो है और इंशाल्लाह हमारा पासबान है इस वक्त, हो हम अफजल मरवत साहब और इमरान खान साहब के और इमरान खान साहब के जितने भी साथी है और जो मुल्क और कौम के लिए खुसूसन, ये हम नहीं कहते कि हमारे अफवाज पाकिस्तान या हमारा कोई और इदारा या कोई और इदारा, ये सब इदारे भी हमारे, ये मुल्क भी हमारा है, ये कौम भी हमारा है, और सब हम इस मुल्क के बंदे बाशिंदे।